हड्डियों के पंजाब के प्रसिद्ध माहिर डॉक्टर अजय अबरोल द्वारा अपने अबरोल मेडिकल सेंटर नाम के अस्पताल में रीढ़ की हड्डी का एक नई टेक्निक के साथ सफलतापूर्वक इलाज किया गया। जानकारी के मुताबिक बलबीर कौर आयु 77 वर्ष, पत्नी शर्म सिंह निवासी गांव जंदालू बाना, जो कि 7 दिन पहले गिरने के कारण अस्पताल में भर्ती हुई थी। गिरने के कारण मरीज की रीढ़ की हड्डी का मनका दब गया था। मरीज की आयु अधिक होने के कारण ऑपरेशन में कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती थी, इसलिए डॉक्टर अजय अबरोल और उनकी टीम द्वारा एक नई टेक्निक बैलून काइफोप्लास्टी और वर्टिब्रोप्लास्टी के साथ इलाज किया। डॉक्टर अजय अबरोल ने बताया कि यह एक नई और फायदेमंद तकनीक है। इसमें मरीज को बिना किसी बेहोशी और बिना किसी चीड़ फाड़ के इलाज किया जाता है। ये नवी तकनीक जड़ी शुरू की गई है, उन बैलून काइफोप्लास्टी या वर्टिब्रोप्लास्टी किया जाता है। यह तकनीक जड़ी है बाकी बड़े शहरों के विच की जा रही है, पर इस शहर के विच इस एरिया के विच शुरू कर दी है और इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पूरी साढ़े को अवेलेबल है। ये जदों कोई भी मनका टुटता है, मनका फिस जाता है, उन्हों बिना ऑपरेशन तो बिना चीरफाड़ कीत्या उस मनके नू ठीक कर दिता जाता है। इस बैलून्स के नाल उन्हों ओपन करके उहदे अंदर बोन सीमेंट्स वगैरह पा दिते जाते हैं, जिहदे करके कि जिहड़ा मनका है वह फिर तो भार लैना शुरू कर दिंदा है। यह तकनीक टेक्निकली थोड़ी डिफिकल्ट है, पर काफ़ी कामयाब साबित हो रही है दुनिया के। सो इतें भी असी तकनीक शुरू कर दी है। इन्हों का फायदा जोड़ा है उन्हें पेशेंट्स लिए काफ़ी होएगा, जो स्पोर्ट्समैन ने या फिर ओल्ड एज के जहाँ ऑपरेशन दूजे ऑपरेशन जड़े वो नहीं किए जा सकते जिन्हों के। सो क्योंकि इस तकनीक दे विच एक दिन का ही स्टे होंगे तो कोई बेहोशी की लोड़ नहीं है, सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया दिता जाता है और अगले दिन पेशेंट वापस अपने घर भेजा जा सकता है। इस पेशेंट की सक्सैस रेट काफ़ी ज़्यादा है, आलमोस्ट मैं तो 100% ही कहूँगा, क्योंकि उन्होंने किसी के यूज़ किया जाता है जिद असी अच्छे रिजल्ट ही देने चाहते हैं।